हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मैगी मसाला। किस किस को मैगी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये रेसिपी आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैकेट मैगी। आप अकेले के लिए बना रहे हैं तो ये इनफ है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भी एक पैकेट बहुत है। तो एक पैकेट मैंने यहाँ पे मैगी ले ली, और बहुत सारी वेजिटेबल्स ले लेंगे, जैसे आलू, टमाटर, हरा मिर्च, प्याज और गाजर। आपको और अगर सब्जियां ऐड करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको फाइनली चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले ली है एक स्टील की कढ़ाई, और मैं टेम्परेचर देख रही थी कि स्टील की कढ़ाई में ऑल हो गया है, हीट हो गई है मेरी। तो यहाँ पे फिर मैं डाल रही हूँ बटर। आपके पास ऑयल हो आप ऑयल भी डाल सकते हो, बट बटर में ज़्यादा टेस्टी बनेगी, तो थोड़ा ही बटर लेना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर यहाँ पे मैंने हरा मिर्च जो काट के रखा था वो डाल देंगे, और साथ ही साथ प्याज। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको कुछ चलाना है। और ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स में अगर आपको बनाना है तो ये बहुत इजी टू कुक है, जल्दी से बन जाती है, 5 मिनट में ये सब मैगी बन जाती है। तो और लंच के लिए भी अगर आपको देना है तो बना सकते हैं, अपने लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। घर में रोज़ नहीं देना है, आप कभी कभी इसको ज़रूर खा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे सौते हो गए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं डालूँगी गाजर, आलू और टमाटर। इसको भी हम लोग सौते कर लेंगे। इसको भी हम लोग सौते कर लेंगे 5 मिनट तक, 3 से 4 मिनट आप इसको चला लीजिएगा। और ये 5 मिनट में, 5 से 6 मिनट में बहुत जल्दी बन जाता है मैगी। आप इसमें सॉस डाल दीजिएगा पहले से, और थोड़ा सा नमक। मैं यहाँ पे नमक पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो सब्ज़ी है वो जल्दी से पक जाए। तो आप नमक पहले डाल दीजिएगा और अच्छे से चला लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको चलाने के बाद यहाँ पे फिर मैं सोया सॉस डालूंगी, और आप चला के देख लीजिएगा कि आपकी सब्जी पक रही है या नहीं। तो आप वो जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैं यहाँ पे सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप हल्का सा आधा कप सोया सॉस डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए एंड कलर के लिए, काफ़ी टेस्टी लगता है। फिर इसको एक स्पैचुला से हम लोग चला लेंगे ताकि सोया सॉस पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी वेजिटेबल आप देख सकते हो पक गई है। तो मैंने बॉइल किए हुए मैगी को बॉइल कर लेंगे पानी में पहले। आपको कढ़ाई में बॉयल नहीं करना है, आपको मैगी को अलग से बॉयल करना है। तो यहाँ पे मैंने बॉयल की हुई मैगी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो जाए मैगी में। तो ये चीज़ आपको करना है। फिर इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस और डाल रही हूँ लाइक फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा उसका टचअप के लिए, कलर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक टमाटो केचप और थोड़ा सा गार्लिक सॉस, वो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शेजवान चटनी जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वो भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। मैगी मसाले के बिना तो मैगी इनकम्प्लीट है, तो मैगी मसाला तो बहुत ज़रूरी है। मैगी मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स 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 कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर आपको नीड है पानी की तो आप पानी भी डाल सकते हैं, मुझे नीड नहीं थी। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसको थोड़ा सा पानी हल्का सा डाल के और सर्व करेंगे। 5 मिनट में मैगी आपकी तैयार। और ये लंच बॉक्स फ्रेंडली है, आप बच्चों को दे सकते हैं। रोज़ आपको बच्चों को नहीं देना है, कभी कभी अगर बच्चे ज़िद करते हैं या कभी कभी आपका भी मन है तो आप खा सकते हैं, अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं, अपनी फैमिली में इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, बाय बाय।